हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग रीवा आए थे, हमने इको पार्क घूम लिया, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा था तो हमने सोचा क्यों ना किला भी घूम लिया जाए और आप लोगों को किला के बारे में भी जानकारी दें। जो लोग गए होंगे उनकी यादें फिर से ताज़ा कर देते हैं, जो नहीं गए होंगे उनको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि हमारे रीवा में इतना सुंदर किला है जो कि यहाँ के महाराज शायद मार्तंड सिंह एक का ही नाम जानती हूँ, बाकी किसी का नहीं जानती। तो गाइस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दें। यहाँ से हम लोग किला के अंदर इंटर करेंगे और हमारी यहाँ से ही यात्रा स्टार्ट होती है। आप लोगों को हम इसके अंदर की हर एक चीज़, जहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ होगा वहाँ की सारी चीज़ें दिखाएंगे, जहाँ मोबाइल ले जाना ही अलाउ नहीं होगा तो गाइस वहाँ सॉरी, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप किले के अंदर जैसे इंटर करेंगे और ये वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको वघेल म्यूजियम मिलेगा। उनकी ऐतिहासिक धरोहर को संग्रहित किया गया है, एक साथ संभाल कर रखा गया है। और यहाँ पे आपको एक तोप दिखेगी जो कि रीवा के महाराज को अकबर के द्वारा भेंट में दी गई थी, जब उन्होंने वीरबल को अकबर को सौंपा था तब। अब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि एक तोप के लिए महाराज जी ने वीरबल जी को अकबर को दे दिया था, थोड़ी सोचने वाली बात नहीं है। आप लोगों को इसी किले के अंदर 1, 2, 3 स्कूलें मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं। ये रहा महाराज वर्तमान महाराज पुष्पराज सिंह का किला, किला महल कुछ भी बोल सकते हैं। गाइस बहुत ही प्यारी जगह है और ऐतिहासिक ऐतिहासिक जगह किसको पसंद नहीं है। ऐसी जगह में जाने में हमें पता चलता है कि हमसे पहले वाली पीढ़ियाँ कैसे रहती थी, उनका क्या जीवन था, उनके बारे में जो कुछ भी जानने के लिए हमको मिलता है तो बहुत यह हमें आनंद और सुकून प्रदान करता है। अगर आपको बघेल म्यूजियम के अंदर जाना है तो मैं बता दूं वहाँ पर पर्सन के लिए 20 रुपये की टिकट मिलती है और वहाँ फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वहाँ पे महाराज जी के रथ, महाराज जी के शिकार किए गए शेर, महाराज जी के खाने के बर्तन, महाराज जी के तैयार होने वाले बहुत विशाल शीशे रखे हुए हैं और वहाँ उनका सारा जितना भी उस कल्चर में यूज किया जाने वाला सामान था सब मिलता है। मैं तो देख के दंग रह गई गाइस कि जो चीज़ें आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है उस ज़माने में महाराज जी के पास आसानी से उपलब्ध थी। कितनी रिच और रॉयल ज़िंदगी होती रही होगी राजा महाराजा और रानी या राज परिवार की। आपको इस किले में अधिकतर मंदिरें ही मिलेंगी और जो कि दोपहर का टाइम था गाइस, तो हम लोग जब आए थे तो सारी मंदिरें बंद थी, कोई भी मंदिर ओपन नहीं थी। पर हो गया, हम लोगों ने सोचा कि मंदिर के बाहर का ही व्यू आप लोगों को दिखा दिया जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हालत ख़राब हो रही थी और इतनी कड़ी धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी, इसके वजह से मैं बार बार थक जा रही थी, मेरा बोला नहीं हो रहा था, मेरा चला नहीं हो रहा था। तो गाइस इस किले में बघेल म्यूजियम में मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, फिर से बता देती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी गन, उस ज़माने में इतनी अच्छी अच्छी गनें उनके पास थी और ऐसी गनें आपको वहाँ देखने के लिए कम से कम हज़ारों में मिल जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी तलवारें और युद्ध के पहनने वाले वो सारे पोशाक, छोटे छोटे तोप उनके बच्चों के सीखने के लिए, बड़े बड़े तोप युद्ध लड़ने के लिए। गाइस बड़े दुख की बात है कि सारी मंदिरें इस टाइम पे बंद हैं तो हम लोग आपको मंदिर के अंदर के भगवान के दर्शन नहीं करा सकते, ना ही खुद हम दर्शन कर सकते हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है और मंदिर सारी बंद है। अगर ओपन होने का हम वेट करेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए जितना जो भी हो सकता है सिर्फ बाहर का मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ये शनिदेव भगवान है और ये बहुत पुराना 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना पीपल का वृक्ष है। रीवा रियासत में अभी तक कुल 37 राजाओं ने राज किया है। ये जो मूर्तियां मंदिर के अंदर, मंदिर तलाव की है, मंदिर के अंदर है, मैं दिखाने में शायद उतना स्पष्ट आपको ना दिखा पाऊँ। ये मूर्तियां देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इन मूर्तियों का तो पुराना 500 या 600 वर्ष पुरानी ही होंगी। ये मूर्तियां देखने से ही पता चल रही थी कि काफ़ी पुरानी है, पर बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्तियाँ थी जिन्होंने भी बनाया होगा। यहाँ के मंदिरों में आपको सारे भगवान मिल जाएंगे, गणेश भगवान, शिव जी, शनिदेव, सारे नवग्रह, मतलब राजा काफ़ी भक्त थे और उनका परिवार भी बहुत ज़्यादा भक्तिमय था। ये मंदिरें तो अब नवीनीकरण के द्वारा सुधरवा दी गई हैं, लेकिन इन मंदिरों के अंदर विराजमान भगवान काफ़ी पुराने और ऐतिहासिक हैं। उनकी बनावट से ही पता चलता है कि यह हमारी सभ्यता की धरोहर है, इसे संभाल कर सहेज कर ही रखना चाहिए। आगे चलने पर आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, दावते बरादरी रेस्टोरेंट। यह दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसके पीछे का व्यू बहुत प्यारा है गाइस। और वहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी जो कि पर पर्सन टिकट 50 रुपये है और उस 50 रुपये में आप वहाँ पे कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। और इसके
रेस्टोरेंट से पहले आपको अभी और मंदिरें मिलेंगी, और ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा भव्य और प्यारी है। ये मंदिर मेरे भी फेवरेट है इस किले में, क्योंकि मैं इसके पहले भी एक बार आ चुकी थी, तब भी मैं देख गई थी। इस बार मैं जब आई तो फिर सारी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे जो मंदिर आपको मिलेगी, तो वो मंदिर मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड मूवी में वो मंदिर नहीं दिखाते, एक मूवी हो या सीरियल सारे सीन में वही मंदिर दिखाते, मुझे ये मंदिर भी उसी मंदिर से मिलती जुलती लगी। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा पिलर्स दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन क्रिएट की गई है। इसका ये गुंबस, इसका ये बरामदा, इसका ये खुला खुला जो इसमें बना हुआ है, पैक नहीं है, हर जगह से ओपन है ये मंदिर। और इतनी सुंदर डिज़ाइन कहाँ से आई होगी उस ज़माने में लोगों के पास। गाइस सच में ये मंदिर तो बहुत ही प्यारी है। ये मंदिर भी लॉक ही थी, तो फिर भी हमने जुगाड़ से आप लोगों को सोचा कि इस मंदिर के अंदर का भी सीन दिखाई देते हैं। ये मंदिर श्री जगन्नाथ जी की है, श्री जगन्नाथ मतलब विष्णु भगवान, ये मंदिर विष्णु भगवान की ही है। आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसके अंदर कैसे भगवान है। ये भी जान लीजिए कि भगवान इस ज़माने की मूर्तिकला के नहीं, ये उसी ज़माने के मूर्तिकला के मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे राम, जानकी, शायद लक्ष्मण है, या फिर मैं समझ नहीं पा रही, पर ये विष्णु भगवान की ही किसी अवतार की मंदिर है, जगन्नाथ जी लिखा हुआ है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। हमने किले का हर एक पार्ट आपको दिखा दिया, कोई भी पार्ट मिस नहीं किया। आप अगर वहाँ जाएंगे भी तो आपको ऐसा ही किला देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।